नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। 4 मार्च को मोहाली में खेले जाने वाले भारत बनाम श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। ऐसा करने वाले वो 12वें भारतीय खिलाड़ी होंगे। आपको बता दें कि विराट कोहली 7 साल के बाद टेस्ट में किसी दूसरे कप्तान के अंडर खेलने वाले हैं। आखिरी बार विराट कोहली साल 2014 में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में खेलते नजर आए थे। क्योंकि ये टेस्ट मैच विराट कोहली और उनके चाहने वालों के लिए एक खास पल होगा, तो ऐसे में अब सभी को उनसे उनके 71वें शतक की उम्मीद की जा रही है, जो पिछले 2.5 साल से कोहली के बल्ले से नहीं निकला है। लेकिन आपको बता दें कि विराट कोहली के लिए ये टेस्ट मैच 71 नंबर से भी काफी खास होने वाला है, क्योंकि संयोग से 71 नंबर के साथ मोहाली टेस्ट में कोहली के कई कनेक्शन निकल रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि विराट कोहली को मोहाली टेस्ट में 71वें अंतर्राष्ट्रीय शतक का इंतजार है। फिलहाल कोहली के नाम 70 अंतर्राष्ट्रीय शतक दर्ज हैं, जिसमें 43 वनडे में और 27 टेस्ट में हैं। वहीं कोहली के बल्ले से आखिरी शतक साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच खेलते हुए लगाया था। विराट कोहली तब से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 70 पारियां खेल चुके हैं। इनमें T20, वनडे और टेस्ट सभी की पारियां शामिल हैं। यानी विराट कोहली जब मोहाली में बैटिंग करने उतरेंगे, तब वो बिना शतक लगाए उनकी 71वीं पारी होगी। इसके अलावा विराट कोहली दुनिया के ऐसे 71वें खिलाड़ी होंगे जो टेस्ट क्रिकेट में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। ऐसे में विराट कोहली के पास ये मौका होगा कि इन सभी 71 कनेक्शन को अपने पाले में करते हुए पूरे भारत को अपने 100वें टेस्ट में वो तोहफा दे, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।